खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रहे होंगे। आज का थंबनेल आपने देखा ही होगा, मैं भी MPPSC का अभ्यर्थी हूँ, मैं भी MPPSC का एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज जब पिछला भी पेपर हुआ MPPSC प्रीलिम्स 2023 का, तो मैंने इसे काउंट किया तो पता चला कि भाई 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023, मतलब 5 प्रीलिम्स हो चुके हैं और अभी रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। तो रिजल्ट नहीं जारी हुआ तो वो चीज़ सोच के थोड़ा मन पे मतलब डाउट सा हुआ कि यार क्या कर रहे हो, चल क्या रहा है। फिर हम लोग आयोग गए, कुछ बच्चे थे वहाँ पे, मांगें की गई कि भाई रिजल्ट जारी हो, रिजल्ट जारी हो। वहाँ मैं सुन रहा था, कई बच्चों को सुन रहा था, कई बच्चियों को मैं सुन रहा था, क्योंकि वो हमारे साथी हैं, सहपाठी हैं हमारे साथ, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी अध्ययन कर रहे हैं, वो भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की जो बात है तो MPPSC के ऊपर ही है, रिजल्ट जारी ना होने के ऊपर है, इच्छा मृत्यु या अन्य बहुत सारी चीज़ों के ऊपर है। आपने कभी सुना कि इस बच्चे ने फांसी लगा ली? पेपर में पढ़ते होंगे आप, YouTube में देखते होंगे, इंटरनेट पे देखते होंगे कि भाई इस बच्चे ने दबाव में फांसी लगा ली, ये बच्चा ऐसा कर गया, ये ट्रेन के सामने कूद गया। तो लोग बोलते हैं अरे नहीं, वो कायर था, वो ऐसा हुआ, वो हुआ। लेकिन अब जब हम लोग जब ये अभी वर्तमान का जो स्वरूप है वो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि यार वाकई प्रेशर बहुत होता है। अब आप खुद सोचिए ना कि 2019 के इंटरव्यू का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, 2020 का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, जिनका आया है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, और अभी 2024 आने वाला है, दिसंबर चल रहा है अभी। तो हाँ, जब मैं सुन रहा था अपने सहपाठियों को, मैं सुन रहा था तो लड़कियां जो थी उनकी बात ये थी कि जब हम आए थे तो 21 के थे, या जब हम आए थे तो 18 के थे, 17 के थे, 15 के थे, लेकिन आज यदि 5 साल उसमें जोड़ा जाए तो 21 के जो व्यक्ति जो 21 साल का रहा वो अभी 26 का होगा, जो 20 का था वो 25 का होगा, जो 24 का था वो 29 का होगा, और जो 26 का रहा होगा 31 साल का होगा। लड़कियों ने कहा कि जब 25 प्लस की उम्र जिनकी हो गई है या जिनका ग्रेजुएशन हो गया है, अभी 2 साल हो चुके हैं, उनके ऊपर शादी का दबाव बढ़ता है, नौकरी का रहता है कि दबाव कि भाई नौकरी नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं मिल रही, प्राइवेट क्षेत्र का अनुभव नहीं रहता, चूँकि आदमी BA BSc करता है और इधर PSC के फील्ड में या व्यापम पटवारी जो भी आप कोई भी MP में परीक्षा की बात करें उसमें सम्मिलित होता है, और रिजल्ट किसी का नहीं है अभी तक। वैसे जब अपने मित्रों से बात हुई, सहपाठियों से बात हुई, लड़कों से बात हुई, तो उनका भी यही कहना था कि बाबा नौकरी का बड़ा प्रेशर है कि 30 के हो गए अभी घर से पैसे ले रहे हो, नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, बन गए कलेक्टर, लग गई नौकरी, लग गए पटवारी, समाज में हंसी के पात्र बन जाते हैं व्यक्ति। और साथ ही साथ उनका सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों की ये थी कि वो मानसिक रूप से ज़्यादा कुंठित महसूस करते हैं खुद को, शारीरिक और बाकी यदि आप छोड़ दें तो आर्थिक और मानसिक रूप से कुंठाग्रस्त हैं। तो भी हाल ही में ऐसी बातें चल रही थी तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि क्यों ना सरकार से इच्छा मृत्यु मांग ली जाए, हो सकता है ऐसा करने से उनको रिजल्ट जारी करें। जिम्मेदार लोग हैं, सरकार जो है तो जिम्मेदार है, हम उन्हें चुनते हैं कि आप अच्छा करेंगे, हम आपसे कुछ अलग नहीं मांग रहे, हम बस ये बोल रहे हैं कि भाई रिजल्ट जारी कर दीजिए, आप जो भी मामला है न्यायालय में है, आरक्षण का है, उसे क्लियर करिए आप, यस या नो, और रिजल्ट जारी करिए। कम से कम हमारे मित्रों का होगा, हमारे सहपाठियों का होगा, हमारा होगा, तो हमारे मन में एक अच्छा भाव तो आएगा कि चलो हाँ किसी का तो हो रहा है। आज का जो तिवारी था इसी पे था कि क्यों आखिर बच्चे इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं सरकार से। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ट्विटर पे कैंपेन चला रहे हैं, पत्र लेखन कर रहे हैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, ट्विटर पे सबको हम लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, हर फील्ड पर, हर क्षेत्र पर हम लोग ऐसा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी यही एक प्रयास किया जा रहा है, सरकार से सिफारिश है कि जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए और 2019, 2020, 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी किया जाए और प्रतियोगी परीक्षाएं जो समय से इनको कराने की बात की जाए।
क्योंकि आपकी सरकार है, आप अच्छा कर रहे हैं, आपको हमने चुना है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारे लिए कुछ करें। संदीप द्विवेदी जी हैं, उनकी एक पोएम है कि लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है, लक्ष्य पाने की बस इतनी सी कहानी है, एक संघर्षी है जिसने चलने की ठानी है। तो संघर्षी चल रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा रिजल्ट जारी ना करके उसे और ज़्यादा पीड़ा पहुंचाई जा रही है। एक व्यक्ति ने कहा कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मध्य प्रदेश के एस्पिरेंट बोलते हैं कि हाँ भाई, हार नहीं होती है, लेकिन सफलता भी कहाँ मिल रही है। तो आप सभी से आग्रह है, आपने इसे सुना, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक आप शेयर करें, साझा करें। यदि आपके कॉन्टेक्ट में कोई पॉलिटिशियन हैं, कोई व्यक्ति हैं, आप उन्हें भी इस वीडियो को ट्वीट कर सकते हैं। ये हम सभी अभ्यर्थियों की ओर से एक विनम्र विनती है, निवेदन है सरकार से कि आप जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन निकालें। न्यायपालिका से भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय दें और हमें इस चक्र से बाहर करें। पंचवर्षीय योजना हो ही चुकी है ना। तो चलिए, आपने इसे पूरा सुना, आपने हमें सहयोग किया, और आपको लगता है कि हाँ, हमारी बातें आपको आगे तक पहुँचानी हैं, तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और संभव हो यदि तो आप जो भी आपके जिम्मेदार नेता हों, जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें भी आप इसे ज़रूर फॉरवर्ड करें। चलिए, अच्छा है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए। क्यों? क्योंकि कोशिश किए बिना जय जयकार नहीं होती। हम कोशिश करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर सफलता हमें मिलेगी, बस सरकार अपना काम अच्छे से कर दे। तो चलिए, बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए। जय हिंद।